आगरा में सांसद प्रत्याशियों के लिए जनसभा करने आए प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने विधायक चौधरी बाबूलाल की बगावत पहुंच गई है। चौधरी बाबूलाल ना तो शमशाबाद पहुंचे, ना ही सुर सदन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में दिखाई दिए। योगी ने इस बारे में पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से जानकारी भी ली। पदाधिकारियों ने उन्हें बताया कि चौधरी बाबूलाल को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन उन्होंने आगरा से बाहर होने का कारण बताया। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर राजकुमार चाहर को टिकट मिलते ही विधायक चौधरी बाबूलाल के बेटे रामेश्वर ने विरोध शुरू कर दिया। विधायक पुत्र ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। मंगलवार को किरावली के चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय में विधायक पुत्र ने होली मिलन समारोह रखा था, जिसमें सभी समाज को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में चौधरी बाबूलाल भी उपस्थित रहे। चौधरी बाबूलाल की मौजूदगी में ही रामेश्वर चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। वहीं शमशाबाद में हुई जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने सांसद प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश से जो 80 मनकों की माला तैयार होनी है, उसमें एक मन का राजकुमार चाहर के नाम की भी होनी चाहिए।